बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो पैन हमने मीडियम फ्लेम पे रख लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, एक टेबलस्पून के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं एक मीडियम प्याज जो है वो मैंने कट करके रखी है, हम वो डाल देंगे। अभी सिर्फ प्याज डालेंगे और इसको थोड़ा सा पिंक होने तक बनाएंगे। ओके, एक मिनट के बाद मैंने ये दो जो हरी मिर्ची है उनको काट लिया था, इसको डाल देंगे। बीज निकाल दिए थे मैंने इसके, इसको बस हल्का सा हम पकाएंगे। अच्छा, साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ रखी हूँ। सब्जियाँ आपके पास जो भी हों आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बेल पेपर्स ले लिए हैं और बंद गोभी ले ली। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, गाजर डाल सकते हैं। ग्रीन बेल पेपर आराम से मिल जाता है और ये हमारी जो बंद गोभी है ये भी आराम से मिल जाती है। ये आप हरी प्याज भी डाल सकते हैं, ये आप पर है। मैंने 2 कप के करीब जो है वो सब्जियां काट ली हैं और वो मैं इसमें डाल दूँगी, आपको जो मिल जाए, क्योंकि स्प्रिंग रोल है तो इसमें जैसी भी जितनी भी सब्जियाँ जाएंगी मज़ा आएगा, कलरफुल भी लगेंगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, हम कुछ भी इसमें डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर यहाँ पर फिर जो इसी देर में ये सब्जियाँ पक रही हैं तो हम इनके साथ ही कुछ मसाले भी डाल देते हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून वाइट पेपर ले रही हूँ, वो डाल देते हैं। और कुछ भी लाल मिर्च जो है वो इसमें डाल देते हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो ब्लैक पेपर डाल दें इसकी जगह। और जो है नमक जो है आप अपनी मर्ज़ी से हसबी जायका डाल दीजिए जितना आपको पसंद है। मैंने 1 टीस्पून ही दिया है और फिर इसको थोड़ा सा पकाएं। सभी अभी अपना पानी छोड़ देंगे तो इसको कोशिश कर लेंगे हाई फ्लेम कर लें ताकि पानी साथ में कुछ भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोया सॉस लिया है, अगर लाइट सोया सॉस है तो वो डाल लीजिए, ऑप्शनल है, वरना आप नॉर्मल सोया सॉस आप यूज़ करते हो वो डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून सोया सॉस मैंने इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं डाला है। ओके, और साथ ही हम 1 टेबल स्पून जो है चिली सॉस डाल दीजिए और फिर इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना कि बस ये थोड़ा सा जो इनका पानी है वो जल्दी से सूख जाए, क्योंकि मैंने हाई फ्लेम किया हुआ, मैंने चाह रही कि ज़्यादा पानी हो। क्योंकि यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है कॉर्नफ्लावर, इसको हम बीच में डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर का फ़ायदा ये होगा जो सब्जियाँ पानी छोड़ती हैं ये उसको सख कर देगा। बस इसको 1-2 मिनट और बनाते हैं। बिल्कुल डन हो चुका हूँ, अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको जो है निकाल देते हैं। अच्छा, अब जो है इसको अच्छी तरह ठंडा होने देना है, क्योंकि रोल बनाएंगे हम तो उससे पहले ही अच्छी तरह ठंडी हो जाए, वरना ये जब हम रोल में इनको पैक करेंगे तो ये अच्छा इसका फ्लेवर नहीं आएगा। कि यहाँ पर अब हमारा जो सब्जियाँ थी वो ठंडी हो चुकी हुई हैं। यहाँ पर मैंने एक ले ली है, रोल की पट्टी ले ली है, या आप देख लें मैदा और थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक लिक्विड सा तैयार कर लिया इसको जोड़ने के लिए। सबसे पहले जो हमारा समोसा रोल की पट्टी है उसको यूँ रखेंगे, इसके अंदर जितना आप डालना चाहें ये सब्जियाँ इनको डालेंगे। और जो जो हमारी लिक्विड है जिसे हमने इसको जोड़ना है वो हम साइड्स पे लगा लेंगे। और बस इसको आप पैक कर देंगे।
दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से पैक करना है। मुझे जो ये पट्टियाँ मिली हैं थोड़ी सी अनइवन थी, कोई बात नहीं, इनको हम संभाल लेते हैं अभी। ये देखिए इस तरह से अपने सारे रोल जो है वो तैयार कर लेंगे। एक और पट्टी है मेरे पास, इसको भी रोल कर लेते हैं। इसके दोनों तरफ हम ये लिक्विड लगा देंगे चिपकाने के लिए। और फिर इसके बाद हम इसको इधर से जोड़ लेंगे और फिर इधर से और वापस इसको हम रोल कर लेंगे। इसको अब हम इसी तरह से अपनी सारी जो बाकी जो हैं रोल हैं वो हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये भी रोल तैयार हो गया, तो इंशाल्लाह बाकी सब मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, रोल्स रेडी हो गए हैं, अब इनको तल लेते हैं। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और फिर हम इसको निकाल के डिश आउट कर लेते हैं और आपको डिश आउट करके दिखा देते हैं। मैंने ये डिश आउट कर ली है, आप जैसे चाहें इसको सर्व कर सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म के स्प्रिंग रोल्स बने हैं। जो भी सब्ज़ियाँ आप उनके साथ बनाइए और इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।